जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आपको रखे सबसे तेज अपडेट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पीएनएसटी का कल जो है सेकंड राउंड भी समाप्त हो चुका है। अब साथियों बात आती है क्या थर्ड राउंड की और कितनी सीटें रिमेनिंग होगी, आगे की प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो आगामी पीएनएसटी एग्ज़ाम आगामी जो है एएनएम एग्ज़ाम है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके एक सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए साथियों, बात करते हैं पहले जो ऊपर दिया हुआ है कि थर्ड राउंड के ऊपर। तो देखिए, अभी इसकी कल जो है प्रोसेस समाप्त हुई है। अब इसमें कितनी रिमेनिंग सीटें बची हुई हैं ये तो कह नहीं सकते, फिर भी रिमेनिंग सीटें बची होगी तो एक मॉपअप राउंड होता है। अगर थर्ड राउंड नहीं हुआ तो एक मॉपअप राउंड होगा, जिसमें डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ेगा जहां पर सीटें क्या हो, खाली हो। अब ये थर्ड राउंड होता है या नहीं होता है ये तो आगे बता हम लोग पहले तो नहीं बता पाएंगे, जब इसकी ऑफिशियल अपडेट आएगी जब ही हम लोग बता पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा और हर वीडियो देखना पड़ेगा जो भी वीडियो एनएम से रिलेटेड आपको प्रोवाइड हो। ठीक है, ये तो बात होगी थर्ड राउंड की। या तो मॉपअप राउंड होगा जहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाकर जितनी सीट बची होगी उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा, ये होगा आपका। साथियों फिर आपको ध्यान रखना है कि सीटें रिमेनिंग कितनी बची है, तो अभी अपडेट नहीं आई है, फिर भी 10-15 सीट तो रिमेनिंग होती ही है। अब उस पर चॉइस फिलिंग करवाना है नहीं करवाना है इसके लिए तो जो है गवर्नमेंट ही जान पाएगी, बट रिमेनिंग सीटें होती है इसकी अपडेट अभी नहीं मिली है मेरे तक। जैसे ही अपडेट आती है, कॉन्टैक्ट किया है मैंने, 2-4 दिन में मिल जाएगा इसकी अपडेट, क्योंकि ये जो है सीटें हर ट्रेनिंग सेंटर की सीटें कहाँ जाएगी, ये DHS के पास जाएगी और DHS से फिर पता चलेगा कि कितनी सीटें रिमेनिंग है। आगे की प्रोसेस ये होगी कि अब इंतज़ार नहीं करना है आपको, पुनः अपनी मेहनत पर विश्वास करके पुनः जो है आगे तैयारी करना है। सिलेक्शन होगा तो हो ही जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एएनएम भर्ती आपकी जल्द ही आ रही है, जनवरी फरवरी में आपके पूरे फॉर्म आ रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए जमकर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत सिंपल पेपर आता है एएनएम का, परंतु पीएनएसटी का पैटर्न चेंज हो चुका है, इसलिए एएनएम का भी पैटर्न चेंज होगा। तो हम लोग नए पैटर्न पर आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर जो भी बंधु जो भी साथी क्लासेस लगाना चाहता है तो मॉर्निंग से क्लासेस स्टार्ट है, आप लोग लगा सकते हैं। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी अमाउंट नहीं देना है, सारा का सारा फ्री। यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है, ठीक है साथियों, अभी पेड बेंच कोई भी लॉन्च नहीं है, फ्री में पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए। हर बच्चा जो है जिस परिस्थिति से होकर आता है वो परिस्थिति हमने देखा है, इसलिए अभी जो कोर्स आपका चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने बता चुका है, आगे की प्रोसेस क्या होगी, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, ये तो सब बात का मैटर है कि रिमेनिंग सीटें कितनी बची होती है उसके बाद ही हमें बता पाएंगे आप लोगों को। तो चलिए बने रहिए समाधान स्टडी में, आपको अपडेट मिलती रहेगी। और गाइस, जो आपको वीडियोस मिलते हैं ना बच्चा दूसरे वाले, उस पर आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, जहाँ से आपको ऑफिशियल जानकारी मिलती है ना उसी चैनल को आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि आपको कहीं वीडियो मिल जाएंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब आपको भ्रमित कर रहे हैं। ऑथेंटिक चीज़ें जानिए और सत्य चीज़ जानिए, आपको डायरेक्टली मैं लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप लोग खुद ही चेक करिए। आपका मोबाइल तो है, हर वीडियो देख पा रहा है, हर बच्चा देख पा रहा है, आपका मोबाइल है, कैसे जाना है उसका तरीका देख लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, आपके पास MP ऑनलाइन पर DHS की साइड है, ये देखिए यहाँ पर होम पेज पर आपको मिल जाएगा क्या सर जी, ANM जो है, ये देखिए ANM काउंसलिंग। ANM काउंसलिंग पर जैसे ही आते हैं आप लोग अपने मोबाइल से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, काउंसलिंग, और काउंसलिंग पर यहाँ पर अगर अपडेट आती है तो यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर अन्य गतिविधियाँ, तो ये आपका जो है अलॉटमेंट लेटर समाप्त हो चुका है, जो एडमिशन था ये सारा कुछ सेकेंड राउंड का यहाँ हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आती है आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप पूरी जानकारी समझ में आ चुकी होगी, आप लोग भी सतर्क रहिए, ठीक है बच्चा, आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रखिए, खुद जाइएगा या तो फिर ट्विटर पर, आपको पता है ट्विटर पर अपडेट रहिएगा, ट्विटर पर भी ऑफिशियल जानकारी मिलती है, तो हर जगह अपडेट रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए मिलते हैं, या फिर समाधान स्टडी का साथ है तो सबका साथ सबका विकास, आपको पता है। तो चलिए जो भी होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।